साथियों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 19 क्रिमिनल इंटीबिडेशन इंसडेंट एनोमेंस एंड डिफेमेशन को पहला दिया है क्रिमिनल इंटीबिडेशन कि इंटीबिडेट करना इसका प्रोविजन है कि जो कोई भी थ्रेटन करेगा अनदर पर्सन को बाय एनी एनिमिल्स जिसमें उस पर्सन को वो इंजरी कॉज करता है जिसमें उसकी इंजरी टू पर्सन है इंजरी टू रेपुटेशन है इंजरी टू प्रॉपर्टी है या टू द पर्सन इन होम दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड और ऐसा करने के पीछे वो एक अलार्म कॉज करना चाहता है उस व्यक्ति को ताकि वो कोई काम करे जिसको करने के लिए लीगली बॉन्ड नहीं है या वो काम ना करें जिसको करने के लिए लीगली बॉन्ड है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा और इस तरह का अपराध जो है वो क्रिमिनल इंटीबिडेशन आपराधिक अभित्रास अ थ्रेट टू इंजर द रेपुटेशन ऑफ डिक पर्सन इन होम द पर्सन इज इंटरेस्टेड इज ऑल्सो विद इन सेक्शन ऑफ क्रिमिनल इंटिपिडेशन कि ये जरूरी नहीं कि है कि जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं वो एक लिविंग क्रिएचर हो अगर वो मृतक भी है तो ये सफिशेंट है ए फॉर दर्पज ऑफ इंड्यूसिंग बी टू रेसिस्ट फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग अ सिविल सूट थ्रेडिंग टू बर्न बीज हाउस इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन कि ए जो है बी कोई धमकी है कि अगर तुमने कार्रवाई करी तो मैं तुम्हारा घर जो है चला दूंगा तो ये एग्जाम्पल है क्रिमिनल इंटिमिडेशन का पनिशमेंट जो है यहाँ पर टू ईयर्स है और जो कोई भी ऑफेंस कमिट करेगा क्रिमिनल इंटिबिटेशन का बाई थ्रेटनिंग टू कॉज देथ अगर इसमें जो थ्रेटनिंग है वो डेथ की है या ग्रीवे थ्रेट की है या प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने की है बाय फायर तो इस कंडीशन में यदि ऑफेंस पनिशेबल है विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू सेवन ईयर और जिसमें किसी महिला की इज्जत को उछालना भी है टू इम्प्यूट द अनचेस्टिटी ऑफ ए वुमेन तो यह पनिशेबल ऑफेंस होगा तो यहाँ पर पनिशमेंट जो है वो सेवन ईयर का है और फाइन भी जो है यहाँ पर होगा और जो कोई भी क्रिमिनलेशन करेगा बाय द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ अनोयस कम्युनिकेशन और बाय हैविंग

थ्रेट्स हैं ऐसा करके आप उसको मजबूर कर रहे हो या किसी ऐसे व्यक्ति के परपेक्टिव में ऐसा करके आप उस व्यक्ति को मजबूर कर रहे हो कि वो कोई काम करे इसको करने के लिए वो लीगली बाउंड नहीं है या कोई काम नहीं करे इसको करने के लिए लीगली बाउंड है तो ऐसे स्थिति में आपकी जिम्मेदारी बनेगी फॉर क्रिमिनल इंटीप्रिटेशन दूसरी बात है सेक्शन थ्री फिफ्टी वन बी एन एस डिफाइन क्रिमिनल इंटरप्रेशन ये आवश्यक नहीं कि जिसको धमकी दी जा रही है उसके परस्पेक्टिव में अगर कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड है तो वो लिविंग करेचर हो अगर वो डेड भी है तो भी यहाँ पर केस जो है बनेगा इसका एग्जाम्पल ने देख लिया पनिशमेंट दो साल का है बट अगर थ्रेडिंग जो है कॉजिंग डेथ की है या ग्रीबेस सेट की है या डिस्ट्रक्शन है प्रॉपर्टी का बाय फायर तो यहाँ पर पनिशमेंट जो है वो सेवन ईयर का हो जाएगा और इफ़ इट इज़ बाय अनोन्स तो यहाँ पनिशमेंट जो है वो टू ईयर का हो जाएगा बस ये मोटा मोटा आपको ध्यान में रखना है अब आते हैं अपन सेक्शन तीन सौ बावन के ऊपर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटेंशनी इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रिच ऑफ पीस कि जो कोई भी इंटेंशनी किसी को इंसल्ट करेगा और जो पीस है उसको ब्रिच करेगा या उसको अफेक्ट करेगा बाय गिविंग प्रोवोकेशन टू एनी पर्सन इंटेंडिंग और नोइंगली इट टू बी लाइकली दैट सच प्रोवोकेशन विल कॉज हिम टू ब्रेक द पब्लिक पीस तो ये एक ऑफेंस होगा और पनिशमेंट जो है यहाँ पर दो तो साल का है कि आपने कोई कृत्य किया ऐसा करते हुए किसी को आपने प्रोवोक किया और उस प्रोवोकेशन कॉन्सिमेंटल में उससे पब्लिक पीस को ब्रिज कर दिया तो आपकी जिम्मेदारी जो है यहाँ पर बन जाएगी अब आते हैं अपन सेक्शन थ्री फाइव थ्री बी एन एस पे स्टेटमेंट कंडक्टिंग अ पब्लिक मिशिप कि जो कोई भी मेक करेगा पब्लिश करेगा शेड्यूल करेगा एनी स्टेटमेंट को किसी इन्फॉर्मेशन को जो कि फॉल्स है किसी रूमर को किसी रिपोर्ट को किसी भी माध्यम से चाहे वो माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्यों ना हो ऐसा करते हुए उसकी इंटेंशन किया टू कॉज और विच इज़ लाइकली टू कॉज एनी ऑफिसर शोल्जर और एयरमैन इन द आर्मी नेवी एयर फोर्स ऑफ इंडिया फॉर म्यूटिनी और अदरवाइज डिसरिगार्ड और फेल इन इज ड्यूटी एज सच कि ऐसा करने से जो आर्मी ऑफिशर्स हैं वो गद्दारी कर दें देश द्रोही कर दें और अपनी ड्यूटीज को जो है परफॉर्म नहीं करें ड्यूटीज को जो है डिसरेस्पेक्ट करें विद इंटेंशन टू कॉज विच इज़ लाइकली टू कॉज फियर और अलार्म टू पब्लिक कि ऐसा करने से वो पूछा पब्लिक में जो है फियर कॉज कर रहा है और ये पॉसिबिलिटी है टू एनी सेक्शन ऑफ पब्लिक वेयर बाय एनी पर्सन में इंड्यूस टू कमिट एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट और अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांसिबिलिटी और ऐसा होने से कोई भी पब्लिक या पब्लिक का समूह स्टेट के विरुद्ध जो है ऑफेंस कमिट करने को तैयार हो जाए जिससे पब्लिटी भड़कने की जो है स्थिति हो विद इंटेंशन टू इंसाइट और विच इज लाइक टू इंसाइट एनी क्लास कम्युनिटी और पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस जिसके जरिए वो इंड्यूस कर रहा है किसी कम्युनिटी को या उसके किसी क्लास को कि वो ऑफेंस कमिट कर दे अगेंस्ट आना क्लास ऑफ कम्युनिटी तो ये दंडनीय अपराध होगा पनिशमेंट है तीन साल का और यहाँ पर फाइन भी जो है होगा अब इसमें क्लाज नंबर टू भी है कि जो कोई भी मेक करेगा पब्लिश करेगा सर्कुलेट करेगा किसी स्टेटमेंट को और किसी रिपोर्ट को जिसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन है रूमर है अलार्मिंग न्यूज़ है जिसको अपन कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ इंक्लूडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जिसके पीछे इंटेंशन केयर टू क्रिएट प्रमोट या विच इज़ लाइकली टू क्रिएट प्रमोट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस प्लेस ऑफ बर्थ रेसिडेंस लैंग्वेज कास्ट कम्युनिटी और एनी द ग्राउंड व्हाट्स एवर फीलिंग ऑफ एनिमिटी और फीलिंग ऑफ हेट और इल विल बिटवीन द रिलीजन्स रेशियल लैंगवेज रिलीजन ग्रुप और कास्ट कम्यूनिटी ये दंडनीय अपराध है पनिशमेंट है तीन साल का और यहाँ पर फाइन भी होगा और सब क्लॉज नंबर तीन है कि अगर ये ऑफेंस जो है कंसेंट है विथ रेस्पेक्ट टू अ प्लेस यूज फॉर वर्शिप और किसी ऐसे प्लेस के लिए जिसमें असम्बल्ड होते हैं लोग फॉर परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस सेरेमनी तो ये पनिशमेंट जो है यहाँ फाइव ईयर का होगा या फाइन भी होगा तो कुल मिला के थ्री फाइव थ्री जो है काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसमें भी जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर तो कुल मिला के ऐसे स्टेटमेंट जो कि देश की आर्मी जिसमें थल सेना जल जलसेना वायुसेना उसमें म्यूटिनी की भावना को क्रिएट करते दे, देश द्रोह की या वो देश के अगेंस्ट जो है एट करें देश की सेवाओं की जो है डिसरेस्पेक्ट करें तो ये ऑफेंस होगा इसके अंदर आप लोगों को उकसा रहे हो कि वो स्टेट के विरुद्ध एक्ट करें और पब्लिक ट्रांस इक्विलिटी के विरुद्ध जो है काम करें मतलब कुमला के दंगे भड़क जाए तीसरा है कोई क्लास दूसरी क्लास के विरुद्ध जो है या कोई कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के विरुद्ध जो है लड़ने को उतारू हो जाए तो ये एक दंडनीय अपराध होगा और इसके अलावा ऐसे स्टेटमेंट जिसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन रूमर अलार्मिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज़ इसको पर्च करना ताकि जो कंसर्न ग्रुप हैं उसमें झगड़ा हो जाए उसमें एनिमिटी जो है डेवलप हो जाए और वो एक दूसरे को हेट करें उनमें इलविल जो है डेवलप हो और इस पॉइंट पे कि उनका रिलीजन जो है डिफरेंट है रेशियल उसमें इश्यूज हैं लैंग्वेज जो है इश्यूज हैं रिलीजन जो है इश्यूज हैं कास्ट के इश्यूज हैं कम्युनिटी के इश्यूज हैं बट इन बिंदुओं को फायदा लेके आपने उनको इस तरह से प्रवोक कर दिया कि वो झगड़े आपस में उनमें हेड जो है डेवलप हो गया डेवलप कर दिया आपने एन्यूमिटी तो ये भी एक दंडनीय अपराध होगा और अगर इस तरह के ऑफेंस को जो है आप कमिट करवा रहे हो और ये कंसर्न है किसी ऐसे प्लेस से इज यूज फॉर वर्सिप और यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज़ तो ये सजा जो है पाँच साल की होगी इट डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस पर बचाव क्या है कि यह ऑफेंस नहीं होगा विद इन द बिनिंग ऑफ द सेक्शन वैन द पर्सन मेकिंग पब्लिशिंग और सक्यूटिंग एनिस स्टेटमेंट फॉल्स इन्फॉर्मेशन रूमर और रिपोर्ट हैज रीजनबल ग्राउंड टू बिलीव दैट कि यह स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन जो है यह सच है और इसका पब्लिकेशन जो है जरूरी है गुड फेथ के अंदर क्लियर है पर मेन बात है कि एक्सेप्शन तो बहुत सारे हैं पर अगर आपने एडमिट कर लिया कि आटॉप ने किया है तो बचना जो है बहुत ही मुश्किल कानून में हो जाता है क्लियर है अब यहां पर अपन पढ़ने वाले हैं लास्ट सेक्शन को 354 को फिर आगे अपन पढ़ेंगे 355 से एक्ट कॉज बाय इंड्यूसिंग पर्सन टू बिलीव दैट ही विल बी रेंडेड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर कि जो कोई भी वॉलन्ट्री कॉज करेगा या अटेंड करेगा टू तो कॉज एनी पर्सन टू तो डू एनी थिंग विच डैट पर्सन इज नॉट लीगली बाउंड टू तो डू कि कोई काम आप करो इसको करने के लिए बाउंड नहीं है और किसी काम को ना करने के लिए जिसको करने के लिए वो लीगली बाउंड जिसमें अटेंड भी जो है शामिल है उसको इंड्यूस करना या किसी ऐसे व्यक्ति का हवाला देकर जिसमें व्यक्ति इंटरेस्टेड है इस तरह की बातें करना तो ऐसे स्थिति में जो कंसेंट व्यक्ति है अगर ये कहता है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो डिवाइन मतलब भगवान जो है नाराज़ हो जाएंगे तो ऐसा करने पर वो उसको मजबूर करता है टू डू अ थिंग जिसको करने के लिए लीगली पाउंड नहीं है और टू ऑमिट टू डू अ थिंग कि कोई काम ना करना जिसको वो करने के लिए लीगली पाउंड है तो ऐसी स्थिति में दंडनीय अपराध होगा और जो कंसर्न व्यक्ति है वो जिम्मेदार होगा विद इम्प्रूमेंट ऑफ वन ईयर और विद फाइन और विद बोथ हालांकि केसेस जो है कम आएंगे इसके बट एक जनरल सेक्शन पढ़ लो उसको कि ये जो है सिट करता है धरना पे एट जेड डोर विद इंटेंशन टू कॉज इट टू बिलीव दैट बाई सो सिटिंग ही रेंडर जेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर ए इज कमिटेड कि ए जो है दरवाजे बैठ गया जेड के और कह रहा है कि भैया मैं नहीं उठूंगा अगर मुझे उठाओगे तो आपको जो है पाप पड़ेगा अब ए जो है अगर ऐसा कर रहा है तो वो रास्ता रोक रहा है जेड का तो ऐसा करना अपने आप में एक ऑफेंस है सेक्शन थ्री फिफ्टी फोर बी एन एस में ए जो है थ्रेड करता है जेड को कि जब तक वो पूजा परफॉर्म नहीं करेगा तब तक उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा और इस पूजा के साथ साथ उसको एक बच्चे की बलि देनी होगी बच्चे की बलि देना अपने आप में अपराध है पर ऐसा कहते समय उसने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे तो वो उस काम को करने के लिए उसको बाउंड कर रहा है जो करने के लिए जेड जो है बाउंड नहीं है तो ए ने जो है ऑफेंस कमिट कर दिया इस सेक्शन के अंदर क्लियर है तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया थ्री फिफ्टी फोर तक अब हम पढ़ेंगे थ्री फिफ्टी फाइव से अगली क्लास के अंदर तो कुल मिला के थ्री फिफ्टी फोर का सहार ये कि अगर आप किसी व्यक्ति को कोई बात कह रहे हो कि तुम कोई काम करो जो करने के लिए वो लीगली बाउंड नहीं है या काम मत करो इसको करने के लिए वो लीगली बाउंड है पर इसके पीछे उसका ऑब्जेक्ट क्या है कि उसको डराना उसमें फियर क्रॉस करना कि अगर आपने ये काम नहीं किया जैसा मैं कह रहा हूँ तो ईश्वर जो है आपसे नाराज हो जाएंगे और उसको आपको भुगतना पड़ेगा कई जन्मों तक क्लियर है तो ऐसी स्थिति में जो ऐसे अंधविश्वास फैलाएगा फैला के कि किसी को इंड्यूस करेगा और अल्टीमेटली उसको मजबूर करेगा उस काम को करने के लिए जिसको करने के लिए वो लीगली बॉन्ड नहीं है या उसको वो काम करना है पर उसको मजबूर कर दिया आपने कि वो काम ना करे हवाला देते हुए कि अगर ऐसा करोगे तो ईश्वर जो है नाराज हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में दंडनीय नहीं अपराध होगा और एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए तो नेक्स्ट क्लास में जो है अपन पढ़ेंगे थ्री फिफ्टी फाइव से आप जो है पढ़ के आइएगा एंड दिस विल तो बी द लास्ट क्लास ऑफ बी एन एस और इसको जो है अपन कंक्लूड कर देंगे पूरा फिर अपन शुरू करेंगे बी एन एस एस ठीक है जी तो पढ़ते रहो मस्त रहो और मैंने नोट्स जो तैयार करे हैं काफ़ी तैयार करें मेहनत से तो अगर आप इस टॉपिक को सुन रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और इसके अलावा प्रैक्टिकल परस्पेक्टिव में भी वीडियो अपन लेके आ रहे हैं लगातार उसके लिए टाइम है रात दस बजे का थ्योरी के लिए टाइम है आठ बजे और जो प्रैक्टिकल है उसके लिए टाइम है दस बजे का तो चीज़ों को फॉलो करो समझो और समझ के जो है आंसर लिखो डेफिनेटली वी विल सक्सीड क्लियर है तो देर इज नो नीड टू तो वेरी जस्ट फोकस ऑन योर वर्क सी यू द नेक्स्ट वीडियो टिल देन जय हिंद जय भारत